हाँ भाई, तो कैसे चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे मेंडल का फोर्थ पोस्टुलेट, चौथा पोस्टुलेट जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना चौथा पोस्टुलेट, इस चौथे पोस्टुलेट का नाम क्या है? पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या नाम है? पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या? पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो मेंडल ने अपना चौथा पोस्टुलेट, पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, आजकल हम इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये कौन से क्रॉस के बेसिस पे दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर जाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में कौन से जेनरेशन के बेसिस पे ये लॉ दिया गया था या ये पोस्टुलेट मेंडल ने दिया था, तब आंसर जाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे थ्री पोस्टुलेट दिए थे और मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे बस एक पोस्टुलेट दिया था। उस पोस्टुलेट का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट या पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो कि चौथा पोस्टुलेट है। क्या है भाई? चौथा पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट है। क्लियर? ये फोर्थ पोस्टुलेट डाइहाइब्रिड क्रॉस के कौन से जेनरेशन के बेसिस पे है? ये फोर्थ पोस्टुलेट डाइहाइब्रिड क्रॉस के कौन से जेनरेशन के बेसिस पे है? तो सेकेंड जेनरेशन के बेसिस पे है, F2 जेनरेशन के बेसिस पे है, सेकेंड फिलियल जेनरेशन के बेसिस पे है। ये लॉ कहता क्या है? ये लोग कहता है कि भाई दो या दो से अधिक ट्रेट, क्या दो या दो से अधिक ट्रेट किसी एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं, दो या दो से अधिक ट्रेट अगर एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं ना, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। क्या? गैमेट फॉर्मेशन के समय ये एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है, यही कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि जो ट्रेट का पेयर होता है, ट्रेट का जो ग्रुप होता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना ग्रुप बनाता है। क्या? इंडिपेंडेंटली अपना ग्रुप बनाता है गैमेट फॉर्मेशन के समय, या ट्रेट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते गैमेट फॉर्मेशन के समय, ये इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं। देखेंगे इसको, लेकिन आप ये देखिए, बोलता है कि ये जो लॉ है या जो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के बेसिस पे है। क्या? F2 जनरेशन के बेसिस पे है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है ना, कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के कौन से जनरेशन के बेसिस पे है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इस तरह से आंसर ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा F2 जनरेशन या सेकेंड जनरेशन के बेसिस पे। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहता है कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेट, क्या दो पेयर ऑफ ट्रेट किसी हाइब्रिड में कंबाइंड रहते हैं, जब दो या दो से अधिक पेयर ऑफ ट्रेट क्या यहां पे ले सकते हैं, किसी हाइब्रिड में कंबाइंड रहते हैं, तो वन पेयर ऑफ ट्रेट या वन पेयर ऑफ कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखते हैं इस चीज को। नेक्स्ट आ गया ये जो कार्ल करेंस, जो न्यू मेंडलिज्म लाया, जिन्होंने रीडिस्कवरी किया मेंडल के लॉ को, कार्ल करेंस ने इस फोर्थ पोस्टुलेट को बोला कि ये सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या भाई? सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे लिखेगा, कार्ल करेंस इस्टैब्लिश्ड सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ मेंडल, फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ मेंडल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में
देखिए आप इसको एक शब्द में बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, एक शब्द में मतलब एक लाइन में बोल सकते हैं क्या, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट, क्या जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी अलग जीन के अलग कैरेक्टर्स या अलग ट्रेट के लिए जो जीन होता है ना, अलग ट्रेट के लिए जो जीन होता है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट कर जाता है, क्या अलग अलग ट्रेट के लिए जो अलग अलग जीन होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट करता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट करता है, यानी एक ट्रेट का जीन दूसरे ट्रेट के जीन को अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहां पे लिखिएगा जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट, क्लियर, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट क्या सेपरेट इंडिपेंडेंटली, सेपरेट इंडिपेंडेंटली, क्लियर, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग ट्रेट के लिए जो अलग अलग जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे वो गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, क्या इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा आपको मियोसिस का कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मियोसिस के प्रोफेज वन में क्या होता है, क्या होता है प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है, एनाफेज वन में, एनाफेज वन में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और जो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इसको कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी एनाफेज वन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्चुअल में हाफ होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। क्लियर? एनाफेज टू में, एनाफेज टू में क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए तब आगे का चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में एक बात ध्यान देंगे कि जो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है वो लिंक्ड जीन में काम नहीं करता है, क्या लिंक्ड जीन में काम नहीं करता है। लिंक्ड जीन क्या होता है, लिंक्ड जीन क्लोजली प्लेस्ड जीन को क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन, और लिंक्ड जीन लिंकेज शो करते हैं, क्या शो करते हैं लिंकेज शो करते हैं। लिंक्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्या लिंक्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने का ये लिंकेज शो करते हैं। लिंकेज शो कहने का मतलब है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये एक साथ जाते हैं, क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये हमेशा फिक्स है, क्या एक साथ जाएंगे। क्लियर? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंक्ड जीन शो नहीं करते हैं, जो जीन लिंक्ड होते हैं आपस में क्लोजली प्लेस्ड होते हैं वो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, उसके अलावा सभी जीन क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक्स प्लेस इन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन लिंक्ड जीन्स, डज नॉट टेक्स प्लेस इन, टेक्स प्लेस इन लिंक्ड जीन। आगे हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या रिलेशन है। Does not take place in linked gene. Clear? Linkage term सबसे पहले दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, किसने थॉमस हंट मॉर्गन ने। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल से आप हम आपको समझा सकते हैं। देखिए चलिए आपको याद है क्रोमोसोम नंबर 4, क्या क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पे तीन कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 पे तीन कैरेक्टर या तीन जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं जो तीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है हाइट, दूसरा होता है शेप ऑफ पोल, क्या शेप ऑफ पोल, और तीसरा होता है पोजीशन ऑफ फ्लावर, क्या पोजीशन ऑफ फ्लावर, यही ना हाइट, शेप ऑफ पोल,
शेप ऑफ पोल एंड पोजिशन ऑफ फ्लावर, ये तीन कैरेक्टर एक साथ रहते हैं, जिसमें से ये दो कैरेक्टर जो है ना, दो ट्रेड है जो हाइट और शेप ऑफ पोर्ट को कंट्रोल करने वाला जीन, क्या हाइट और शेप ऑफ पोर्ट को कंट्रोल करने वाला जीन हमेशा किसी भी जनरेशन में एक साथ क्या होगा जाएगा, क्या हमेशा एक साथ जाएगा, क्लियर। तो हाइट और शेप ऑफ पोर्ट ये लिंक्ड जीन है, आपस में क्या है लिंक्ड जीन है, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं शो करते हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो नहीं करते, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, तो मेंडल जो है ना, मेंडल को लिंकेज नहीं देखने को मिला था, मेंडल जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसको लिंकेज देखने को नहीं मिला था, क्यों, क्योंकि वो हमेशा एक या दो कैरेक्टर साथ में लिया, क्या हमेशा एक या दो कैरेक्टर साथ में लिया, और जब भी एक्सपेरिमेंट किया ना तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर को एक साथ दिया, लेकिन हाइट और शेप ऑफ पोर्ट वाले कैरेक्टर्स को एक साथ अपने एक्सपेरिमेंट में कभी लिया ही नहीं, इसलिए उसको लिंकेज मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज मेंडल नहीं समझा पाए थे, लिंकेज कौन समझाया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने समझाया था, क्या लिंकेज टर्म सबसे पहले किसने समझाया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने, क्लियर है यहां तक। खैर, हमको क्या पढ़ना है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या होता है, क्या इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या होता है, देखो आपको याद है ये राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर और येलो कैपिटल वाई सबको जब हम क्रॉस कराए थे किस पे, स्मॉल आर एंड रिंकल एंड ग्रीन से, कैसे रिंकल एंड ग्रीन से स्मॉल वाई से, तो क्या हुआ था, ये प्योर पैरेंट है जब ये क्रॉस किए थे ना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एफ वन हाइब्रिड जो बना था मेरा, एफ वन हाइब्रिड ये कैसा था, एफ वन हाइब्रिड कैसा था, राउंड एंड येलो था, क्या था भाई, राउंड एंड येलो था, राउंड एंड येलो था, क्लियर। यानी मेंडल को पता था कि जो डोमिनेंट होगा ना वही एफ वन हाइब्रिड में एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, वही एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, लेकिन मेंडल को उम्मीद था कि जो एफ टू जनरेशन आएगा, क्या एफ टू जनरेशन आएगा उसमें क्या बनेगा, ये वाला पैरेंटल कॉम्बिनेशन और ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन, देखो एक पैरेंटल कॉम्बिनेशन तो F1 जनरेशन में दिख गया, जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं दिखा है F1 जनरेशन में वो कहां पे दिख जाएगा, F2 जनरेशन में दिख जाएगा, कहां पे दिखेगा भाई, F2 जनरेशन में दिख जाएगा, क्लियर। यानी कि रिंकल एंड ग्रीन कलर सीड कहां पे दिख जाएगा, F2 जनरेशन में दिख जाएगा, मेंडल को इतना उम्मीद था, लेकिन उम्मीद से कुछ हट के हुआ, क्या हुआ कि मेंडल को दो नए कॉम्बिनेशन वाले प्लांट भी मिले, क्या दो नए कॉम्बिनेशन वाले प्लांट भी मिले, देखते हैं इस चीज को इसका कारण क्या था। देखो भाई, ये है मेंडल का एक सेल, इस सेल में मेंडल को चार क्रोमोसोम दिख रहा है, क्या चार क्रोमोसोम दिख रहा है आपको भी, ये वाला ब्लू वाला क्रोमोसोम है इस सीड में जिसको कहते हैं कैपिटल आर, ठीक है, और ये स्मॉल आर, क्या भाई स्मॉल आर, इसको ग्रीन कलर से ले लेते हैं, ये है स्मॉल आर, क्लियर, और ये जो ऑरेंज वाला है ये है कैपिटल वाई, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये क्या है स्मॉल वाई, क्या भाई स्मॉल वाई, क्लियर। तो ये जो जीन है F1 हाइब्रिड में, ये जीन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना भाई 4 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 4 है, क्लियर। अब क्या होगा, ये गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, ये सेल समझ में आया, ये सेल किसका है, इस प्लांट का है, F1 हाइब्रिड का है, ठीक है। अब देखो इसमें गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। अब ये गैमेट फॉर्मेशन में जाएगा, G1 फेज में जाएगा, और G1 फेज में जाएगा, G1S G2 फेज में जाएगा, यानी सेल अगर सेल डिवीजन में जाना चाहेगा तो पहले क्या होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो क्रोमोसोम आपको जो वन क्रोमेटिड वाला दिखाई दे रहा है वो दो क्रोमेटिड वाला दिखाई देगा, क्या दो क्रोमेटिड वाला दिखाई देगा,
तो यहां पे ये जो सेल हो गया ना, अगर सेल डिवीजन में जा रहा है, यहां पे ये जो सेल हो गया और यहां पे ये एक सेल हो गया, देखिए भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहता है कि दो या दो से अधिक ट्रेड जब F1 हाइब्रिड में रहते हैं, किसी हाइब्रिड में रहते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या है, F1 हाइब्रिड का ये जीनोटाइप है। क्या है? F1 हाइब्रिड का ये जीनोटाइप है। क्लियर? जब ये गैमेट्स बनाएगा, F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप जब ये गैमेट्स बनाएगा तो कैसा गैमेट्स बनाएगा, क्या कैसा गैमेट्स बनाएगा? तो देखिए इसमें फोर पॉसिबल टाइप्स के गैमेट्स बन सकते हैं। तो कैपिटल आर ये चला जाएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर और ये आएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी ये फोर पॉसिबल टाइप्स के गैमेट्स है। कौन कौन सा देखना जरा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ पे देख रहा हूँ स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये फोर पॉसिबल टाइप्स के गैमेट्स बन सकते हैं। क्लियर? यानी एक जो पेयर ऑफ ट्रेट है किसी दूसरे पेयर ऑफ ट्रेट के साथ इजिली क्या हो सकता है, कंबाइन कर सकता है, जा सकता है। क्लियर? तो देखिए एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है जब सेल मियोसिस में जाएगा। ये एनाफेज वन का फिगर है। क्या का फिगर है भाई? एनाफेज वन का फिगर है। एनाफेज वन में होता है सेग्रीगेशन। क्या होता है? एनाफेज वन में सेग्रीगेशन होता है। ये भी एनाफेज वन का फिगर है। एनाफेज वन में सेग्रीगेशन होता है। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक तो भाई रेड वाला ग्रीन, रेड वाला ऑरेंज वाले के साथ आ जाए, सॉरी ग्रीन वाला ऑरेंज वाले के साथ आ जाए और पिंक वाला ब्लू वाले के साथ आ जाए। कहने का मतलब है ये स्मॉल आर एक बार किसके साथ दिख रहा है आपको, स्मॉल आर किसके साथ दिख रहा है, ये कैपिटल वाई के साथ, और ये कैपिटल आर किसके साथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोलो ना किसके साथ ये दिख रहा है, कैपिटल आर यहाँ पे ये दिख रहा है स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। यहाँ पे देखना ये स्मॉल आर है ग्रीन वाला और ये पिंक वाला क्या भाई स्मॉल वाई है। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है और दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये ब्लू वाला क्या है कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। ठीक है, तो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्रोमोसोम में एक दूसरे के सेपरेशन के लिए। क्या चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो एनाफेज वन में तो वही होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए फोर था, लेकिन जब गैमेट्स बनेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, टू हो गया। एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, टू हो गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, टू हो गया। क्योंकि आपको पता है एनाफेज वन में सेग्रीगेशन होता है, क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेग्रीगेट करते हैं। हुआ क्या, हुआ क्या, ये होमोलोगस क्रोमोसोम देखो कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये कैपिटल वाई कभी बन करेगा तो स्मॉल आर के साथ मूव कर सकता है, स्मॉल आर के साथ गैमेट्स फॉर्मेशन में जा सकता है, और कभी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ क्या कर सकता है कि गैमेट फॉर्मेशन में जा सकता है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ या कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ एक गैमेट्स में जा सकता है या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ एक गैमेट में जा सकता है। कहने का मतलब है देखो तुम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्मॉल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई जाएगा या फिर कैपिटल आर के साथ हमेशा स्मॉल वाई जाएगा या फिर स्मॉल आर के साथ
स्मॉल वाई जाएगा या कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा एक से दूसरे जनरेशन में, जरूरी नहीं मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में जा सकता है क्या, किसी भी कॉम्बिनेशन में जा सकता है, यानी कि जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना गैमेट फॉर्मेशन के समय, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, तो ये कोई फिक्स जरूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ या एक ट्रेट किसी फिक्स दूसरे ट्रेट के साथ ही क्या होगा जाएगा। मेंडल इस बात से आपको समझाना चाहता है, जैसे मेंडल का पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, मेंडल का पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, राउंड येलो, क्या था भाई, राउंड येलो, और क्या था, रिंकल ग्रीन, क्या था, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो देखो ये है रिंकल और ये है ग्रीन, तो मेंडल का कहना था जरूरी नहीं कि रिंकल ग्रीन एक साथ जाए हमेशा एक ही ट्रेट में, गैमेट में, जरूरी नहीं है कि रिंकल ग्रीन साथ में रहे, ऐसा भी हो सकता है कि रिंकल येलो एक साथ जा सकता है, क्या क्या क्या, क्या? रिंकल येलो एक साथ जा सकता है, या जरूरी नहीं है कि हमेशा सेग्रीगेट हो राउंड येलो एक साथ ट्रेट में रहे, क्या राउंड और येलो एक साथ ट्रेट में रहे, किसी गैमेट में राउंड और ग्रीन भी जा सकता है, आया समझ में, यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, कहने का मतलब है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ट्रेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे और अशॉर्ट करेंगे, अशॉर्ट करेंगे मतलब अपना पेयर बनाएंगे, अपना ग्रुपिंग बनाएंगे, जरूरी नहीं है क्या, जरूरी नहीं है कि राउंड येलो के साथ ही ग्रुपिंग बनाए, राउंड ग्रीन के साथ भी ग्रुपिंग बना सकता है, जरूरी नहीं है कि रिंकल ग्रीन के साथ ही ग्रुपिंग बनाए, रिंकल येलो वाले के साथ भी ग्रुपिंग बना सकता है, यही कहना था किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। आपको पता है ये एनाफेज वन हो गया, क्या हो गया, एनाफेज वन हो गया, एनाफेज टू होगा, एनाफेज टू में स्प्लिटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, और स्प्लिटिंग जब हो जाएगा तो सेम एज माइटोसिस होता है, क्या सेम एज माइटोसिस होता है, डबल क्रोमेटिक वाले क्रोमोजोम से सिंगल क्रोमेटिक वाला क्रोमोजोम बन जाएगा और चार गैमेट बनेगा ऐसा। देखो भाई एक क्रोमेटिक ब्लू वाला और दूसरा क्रोमेटिक ऑरेंज वाला, समझ में आया, इसी तरह से यहाँ पे भी दो सेल बन, एक सेल बन जाएगा जिसमें दो क्रोमेटिक, ये ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाला, हाँ भाई तो क्लियर है, ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए ये गैमेट जब F2 जनरेशन में फ्यूज करेंगे, क्या ये गैमेट्स जब F2 जनरेशन में फ्यूज करेंगे तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा दो नए कॉम्बिनेशन का फिनोटाइप बनेगा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा दो नए कॉम्बिनेशन का फिनोटाइप बनेगा उसी F2 जनरेशन के बेसिस पे मेंडल ने ये डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया, क्या डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया, क्लियर है। नेक्स्ट यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में, पेज पे लिख के इसका आपको जवाब भेजना है, ठीक है, ऐसे टाइप करके मत भेजना, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भेजना, ठीक है। लिखिए इन F2 प्रोजेनी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन F2 प्रोजेनी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, In F2 progeny of dihybrid cross, what would be the proportion of a plant? What would be the proportion of plant? What would be the proportion of a plant? Proportion of plant having अब क्या? ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द जीन, फर्स्ट क्वेश्चन है होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द जीन, क्लियर, होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द जीन ये आपको बताना है, मतलब एक क्वेश्चन है कि F2 प्रोजेनी में, क्या F2 प्रोजेनी डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 प्रोजेनी में
कितना होमोजाइगस कंडीशन, जो दोनों जीन के लिए होमोजाइगस कंडीशन हो, कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है? तो ये कंडीशन हो सकता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, दोनों होमोजाइगस है, या हो सकता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, या कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, या स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इस चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये कितना है, ये कितना है, इस चारों को ऐसे आपको बताना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट दे दिए, सेकंड क्वेश्चन में हिंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हेटरोजाइगस फॉर बोथ ऑफ द जीन, मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि हेटरोजाइगस बताइए जो दोनों जीन के लिए हेटरोजाइगस हो, और वैसे कितने कंडीशन है, ठीक है, वैसे कितने प्लांट है जो दोनों के लिए क्या हो, हेटरोजाइगस हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में हेटरोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द जीन, हेटरोजाइगस कंडीशन फॉर, हेटरोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द जीन, बोथ ऑफ द जीन, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, होमोजाइगस कंडीशन फॉर वन एंड हेटरोजाइगस कंडीशन फॉर अनदर, यानी एक जीन तो क्या हो होमोजाइगस और अनदर जीन क्या हो हेटरोजाइगस हो, वैसे कितने ऑफस्प्रिंग है यह आपको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन है होमोजाइगस फॉर वन एंड हेटरोजाइगस फॉर अनदर, होमोजाइगस फॉर वन, होमोजाइगस फॉर वन एंड हेटरोजाइगस फॉर, एंड हेटरोजाइगस फॉर अनदर, क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है न्यू फिनोटाइप कितना है, क्या न्यू फिनोटाइप कितना है, पहले फोर्थ क्या है न्यू फिनोटाइप कितना है, उसके पहले न्यू जीनोटाइप कितना है, सॉरी पैरेंटल फिनोटाइप कितना है, क्या पहले आपको बताना है पैरेंटल फिनोटाइप कितना है, पैरेंटल फिनोटाइप कितना है डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में, पैरेंटल फिनोटाइप कितना है, उसके बाद आपको बताना है न्यू फिनोटाइप कितना है, क्या न्यू फिनोटाइप कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स आप लिखेंगे, हमें ये सिक्स नंबर क्वेश्चन में जाएगा पैरेंटल जीनोटाइप कितना है, क्या पैरेंटल जीनोटाइप कितना है, इसका रेशियो के फॉर्म में बताना होगा ये सब, पैरेंटल जीनोटाइप कितना है, पैरेंटल जीनोटाइप कितना है। नेक्स्ट न्यू जीनोटाइप कितना है, क्या न्यू जीनोटाइप कितना है, सेवेंथ नंबर में न्यू जीनोटाइप कितना है, न्यू जीनोटाइप कितना है, ठीक है। सिंपल यहां पे आप दे सकते हैं पैरेंटल जीनोटाइप का नंबर भी दे सकते हैं और डिटेल में भी बता सकते हैं कि न्यू कितना है और पैरेंटल कितना है, जैसे पैरेंटल दो जीनोटाइप होगा और न्यू सेवन जीनोटाइप होगा इस तरह से, या पैरेंटल जीनोटाइप दो होगा तो कौन कौन होगा, या फिर न्यू जीनोटाइप सेवन होगा तो कौन कौन सा होगा, इस तरह से भी आप बता सकते हैं, क्लियर है। टाइप्स ऑफ न्यू फिनोटाइप आपको बताना है, एट नंबर में क्या बताना है, टाइप्स ऑफ न्यू फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ न्यू फिनोटाइप, और नेक्स्ट आपको बताना है टाइप्स ऑफ न्यू जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ न्यू जीनोटाइप, क्लियर। तो ये होमवर्क आपको करना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एनसीईआरटी से पढ़ना, कहीं कोई डाउट आ रहा है ना तो पूछना है, क्लास में कितना क्लियर हुआ इस चीज को बताना है, और क्वेश्चन जो हो सकता है आपसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक का या मेंडलिज्म तक का, ये आप कर सकते हैं कुछ, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको आपको पूछना है, होमवर्क आपको करना है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्लियर। कहीं कोई डाउट आता है तो पूछना है। थैंक यू।